वेलसम गाइज, आई होप यू आर इंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 5 फरवरी और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कशन काफ़ी शानदार तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ में। ये जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये बेसिकली मुझे एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई और बोला कि सर ये क्या है, जिसको देखकर डर लग गया एक बार को। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, ये है यहाँ पर कोकोनट क्रैब। ठीक है, तो कोकोनट जो क्रैब होता है बेसिकली, जिसको आप लोग केकड़ा बोलते हो कई बार, ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली ये इतने बड़े साइज का हो जाता है कि 1 से 1.5 मीटर तक आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और ये जो कोकोनट का पेड़ होता है उस पर पाया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि इंसान जो है इसको हाथों में भी ले लेते हैं, यानी कि ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता है। और इवन आप लोगों को पता है कि इंसान ही इनको नॉर्मली खाते हुए पाए जाते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर नहीं, एक तरीके से नेचुरल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है। पर हाँ, कुछ ऐसे केसेस भी पाए गए हैं कि अगर इंसान जो है वो ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है तो कई बार ये इंसानों पर अटैक भी कर देते हैं। तो ये एक काफ़ी, मतलब समझ सकते हैं, देखिए जिस नेचर में हम लोग यार रहते हैं ना, उसमें सब मिलजुल कर रहते हैं। अब यहाँ पर इंसान जो है वो इतना खतरनाक प्राणी बन गया है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से उन्हें कहते सारी हदें पार कर दी है। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा खतरनाक प्राणी जो है वो इंसान है, उससे खतरनाक कोई नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पर बेसिकली एक देखने में इतना डरावना लगता है, पर लेकिन नॉर्मली इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो हर एक चीज़ जो कि उन्हें कहते हैं कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लगे, तो सारी चीज़ें इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, हंस रहा है ये जो लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पर इसके पास में आराम से। अगर ये खतरनाक होता तो क्या इसके पास भी ये भटक भी पाता कहीं पर? कई बार यहाँ पर ये मैंने बताया जैसे कि 1 मीटर से भी ज़्यादा हो जाते हैं और लगभग 4 से 5 किलोग्राम का वेट इनका हो जाता है, ये जो केकड़े आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कई सारे लोग जो है इनको खाते भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, तो वो एक अलग चीज़ है। बस एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगी मुझे, मैंने कहा देखने में कितना भयानक लग रहा है, पर लेकिन रियलिटी में देखोगे तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज है सैटरडे और सैटरडे जो होता है आप लोगों को पता है कि एडिटोरियल थोड़े कम आते हैं, पर लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ एनालिसिस में कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों से कवर करने वाला हूँ। दो पार्ट में डिवाइड होगा ये डिस्कशन, पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। और वीडियो के एंड में आप लोगों को यहाँ पर वोकेबलरी भी देखने को मिलेगी। और सैटरडे को मैं आप लोगों को एस से देता हूँ, तो एस से आप लोग जरूर लिखा करो, हर सैटरडे में आप लोग एस से मिलता है। और संडे में आप लोगों को एथिक्स से रिलेटेड यहाँ पर बेसिकली चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, तो इनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे कि अपनी पढ़ाई को आप लोग एक सही डायरेक्शन देकर चल सको। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सिलेबस के बारे में। यूपीएससी का एक एक पॉइंट आप लोगों को सिलेबस का पता होना चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई थी। एक एक पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को, प्रीलिम्स का, दोनों पेपर का, मेंस का, इसी के साथ में ऑप्शनल के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस दिया है। तो सारा डिटेल में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। वीडियो लंबी होगी क्योंकि आप लोगों को पता है यूपीएससी के सिलेबस के बारे में कि यूपीएससी का सिलेबस जो होता है वो काफ़ी एक लेंदी सिलेबस होता है, पर लेकिन अगर आप लोग उसको समझे बगैर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे यार, कहीं पर स्टैंड नहीं कर पाओगे। तो हमेशा कोशिश करो पहले सिलेबस को समझो, और मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर किया है वहाँ पर, ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें और कैसे आप लोग समझ सकते हैं कि एक एक जो सिलेबस का अगर पार्ट आप लोगों को पता होगा तो कैसे आप लोग इंटरलिंक कर सकते हैं उनको, वो भी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को, 1 घंटे से ज्यादा की हो गई है, पर लेकिन सारी जो बातें हैं वो एक तरीके से वर्थ इट है, जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। और रियलिटी में अगर सीरियस हो तो आप लोग यहां पर इसको जरूर देखना। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप लोग जानना चाहते हैं ना कि ये पर्सन जो है वो पढ़ाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उससे यूपीएससी का सिलेबस पूछ लो। ठीक है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना सीरियस है। तो आप लोग अपना दोस्त बना सकते हैं एक ऐसे इंसान को जिसको सिलेबस पता हो, और उसके बेस पर आप लोग अपना डिस्कशन डिबेट को आगे लेकर चल सकते हैं। पर लेकिन ये तभी रहेगा जब आप लोगों को पता हो सिलेबस के बारे में। पता चला आप लोगों को भी नहीं पता है तो फिर कैसे यहाँ पर आप लोग उसको बेसिकली बातें कर पाओगे? तो सबसे पहले सिलेबस और पुराने यूपीएससी क्वेश्चन पेपर, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा गाइडेंस होते हैं। अगर ये दो चीजें आप लोगों ने क्लियर कर दी तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो यूपीएससी की आप लोगों के हाथ में आप लोगों को आती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो मेरे आशा करता हूं कि ये बात आप लोग कनेक्ट कर पाओगे और इस सिलेबस के पार्ट को आप लोग अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल के ऊपर नजर डालेंगे और फिर आगे हम लोग न्यूज एनालिसिस को देखेंगे। ये पहला एडिटोरियल जो है ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है, इसको आप लोग यहां पर एक तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, मेरिट बेस रिजर्वेशन देना चाहिए उसके बारे में बेसिकली बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंटली अभी रूलिंग है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा मैंने अभी एक आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किया था
तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड करके चलेंगे। और बेसिक बातें यहाँ पर यह कि देखिए, इंडिया और यूके में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर दोनों कंट्री को देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक जो यूके था वो पार्ट था यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का, तब तक तो चीज़ें अलग पैटर्न में चलती थी। अब यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, तो अब यहाँ पर बिल्कुल पैटर्न आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगा। तो इसको आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों के पास में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने एक दूसरे के रिलेशन को आगे लेकर चलें। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, क्या क्या यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और क्या रोल प्ले किया जा सकता है इंडिया के द्वारा, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। और आज की डेट में भी आप लोगों को पता है ग्रुप के बारे में, जिसको बोलते हैं AUKUS, ठीक है, ओकस ग्रुप के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। इसमें कौन कौन है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, इनके द्वारा मिलकर ऑस्ट्रेलिया को यहां पर अभी जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने की बात की गई थी, और एक साइड में हम लोगों ने क्वाड देखा था। तो अगर यूके के साथ में अलग से मिलकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया के रिलेशन। और ब्रेग्जिट के बाद में यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एक अलग से यहाँ पर एक ताकतवर कंट्री अगर अलग है, उसके साथ में हमारे रिलेशन अलग से होते हैं, तो उसके साथ में आप लोगों को और इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यूके जो है वो परमानेंट मेंबर भी है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, तो इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल को कोई इशू होगा तो एक तरीके से हमारे साथ में वहाँ पर खड़ा रह सकता है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाइना छोड़कर बाकी के जो परमानेंट मेंबर हैं आज की डेट में यूएन में, वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। पता है ना कौन कौन है परमानेंट मेंबर? चलिए यूके और मैंने आप लोगों को चाइना तो बता दिया, बाकी के तीन परमानेंट मेंबर कौन है जिनके पास में वीटो पावर है वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन मैंने पूछे थे कई सारे बच्चों के द्वारा, काफी अच्छे से आंसर दिए गए, काफी अच्छा लगा मुझे, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहा करो, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात करूंगा आप लोगों से डिटेल में, इस आर्टिकल को हम लोग समझने वाले हैं। मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था मैरिटल रेप के बारे में, तो फिर से एडिटोरियल उसके बारे में आ गया, तो पूरा डिटेल में समझ लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न हो कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। देखिए हुआ क्या था, अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये केस पहुंचा, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया था कि यहां पर अगर बात करें तो सेक्शन 375 यहां पर ये बात करते हैं इंडियन पिनल कोड का, कि अगर कोई लड़की जो है उसकी एज अगर 15 साल से नीचे की है और यहां पर फिजिकल इंटरकोर्स उसके साथ में किया जाता है तो उसको रेप माना जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट यहां पर ये बोल रही है कि उस 25 उस 15 को घटाकर 18 कर देते हैं, ठीक है, तो वो बातें की जा रही है। जबकि यहां पर ये बोले कि ये ऐसा एज का मामला नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि कोई भी अगर मैरिटल रेप यहां पर कर रहा है तो उसको रेप माना जाना चाहिए, ये आप लोगों को यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर जो राइटर है वो बेसिकली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो करंट स्टैंड है यहां पर रेप को लेकर, खासकर मैरिटल रेप को लेकर, वो बड़ा ही गंदा है और इससे जो बेसिकली गवर्नमेंट को बाहर निकलना चाहिए, ये बातें यहां पर बताई गई हैं, ठीक है। तो यह है, तो पूरा आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। और आज है सैटरडे, सैटरडे को आप लोगों को देखने को मिलता है ग्राउंड जीरो, तो यहां पर इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। लोकल एरिया से रिलेटेड कोई भी न्यूज छपती है यहां पर जिसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आज का जो मेंस के लिए कोटेशन है आप लोगों को, या फिर इसको आप लोग कई बार ऐसे के तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अब की बार जो निबंध थे वो सारे इसी तरीके से आप लोगों के सामने निकल कर आया। तो यहां पर एजुकेशन के बारे में बोला गया कि वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक और वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये मलाला यूसुफजई के द्वारा ये बेसिकली ये बात बोली गई थी। तो एजुकेशन से रिलेटेड यहां पर ऐसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो एजुकेशन का पहलू अगर बात करें तो टीचर के बारे में बात की गई, बच्चे के बारे में बात की गई, बुक के बारे में और पेन के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कई बार बच्चों के हाथ में हथियार दे दिए जाते हैं, तो हथियार से दूर हटकर अगर पेन को यूज करना अगर एक बार को सीख गए प्रॉपर वे में, कई सारी ऐसी कंट्री हैं आज की डेट में अगर आप लोग बात करें पेन के बल पर लोगों ने जो है गवर्नमेंट गिरा दी है। अगर बात करें बोरिस जॉनसन, जो कि आज की डेट में आप लोगों को पता है यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक पत्रकार हुआ करते थे, जर्नलिस्ट भाई साहब, उस इंसान के द्वारा यहां पर कुछ ऐसी चीजें लिखी गई यहां पर लोगों के मन में इतना खौफ बैठा कर दिया कि कल को चलकर यूके को जो है अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, उसको इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा, तो कुछ ऐसे आर्टिकल उस इंसान ने लिखे। तो उसके चलते लोग जो है इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए तो उन्होंने क्या किया, उसी को अपना लीडर बना लिया, तो वो एक जर्नलिस्ट हुआ करता था। तो इससे आप लोग पेन की ताकत समझ सकते हैं। तो आप लोग महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल में जो एक तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सबके द्वारा काफी अच्छी कमांड थी राइटिंग के ऊपर में, वो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखा करते थे, कई सारी लैंग्वेज का उनको ज्ञान हुआ करता था। तो पेन की ताकत अलग ही लेवल की होती है। तो अगर ऐसे बोलूं मैं आप लोगों को लिखने के लिए यहां पर इसके ऊपर कि एक चाइल्ड, बोला गया वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक कैन चेंज द, एक तरीके से वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, तो एक बच्चा एक शिक्षक एक किताब और एक कलम जो है वो बदल सकती है यहाँ पर एक तरीके से दुनिया को। तो आप लोगों की क्या राय होगी इसके बारे में, तो आप लोग इसको कैसे सोच सकते हैं, तो सारे पहलू जो हैं आप लोग यहाँ पर इसके समझ सकते हैं और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तो काफ़ी कुछ आप लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ भी पाओगे, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से, ओके।
बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। अगर शाम को 8:30 बजे वाली वीडियो आप लोग देखते हैं तो ये आप लोग काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और कोशिश करना इनको अटेम्प्ट करने की। बात की जा रही है यहाँ पर सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस के बारे में, टेली कंसल्टेशन जिसको सेहत बोला था, तो यहाँ पर किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया? तो यहाँ पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर आप लोग बताइए क्या है इसका, आंसर आप लोगों को कल मिलेगा, अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो पहली जो यहां पर ट्रीटी थी, यहां पर जो फर्स्ट वॉर की, उसको ट्रीटी ऑफ मद्रास बोलते हैं, सेकंड की थी उसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोलते हैं, और थर्ड की थी उसको ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बताना है बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हिस्ट्री का भी पोर्शन मैंने कवर किया था वहां पर अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यहां पर सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी 1921 में किसके द्वारा फाउंड की गई थी? महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, लाला लाजपत राय या फिर यहां पर बात की जा रही है राजा राममोहन राय। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। कल जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर वीडियो के एंड में बताता, पर लेकिन चलो बता देता हूं एक बार यहां पर, वैसे वीडियो के एंड में बताता था मैं तुमको। तो यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर ये बेसिकली ये है बेसिकली बात की जा रही थी पोमोग्रेनेट के बारे में। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली बांग्लादेश के द्वारा यहां पर काफी लार्ज स्केल पर अनार खरीदे गए थे, तो उसके चलते ये न्यूज में आ गया था। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, जिस एरिया में ये उगाया जाता है यहां पर और किस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पोमोग्रेनेट जो है यहां पर, ये हमारे देश में खासकर अगर बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी के साथ में यहां पर इसको पुनिका ग्रानतुम के नाम से इसको जानते हैं, जो साइंटिफिक नेम आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी इसके बारे में, काफी लार्ज स्केल पर हमने इसको यहां पर अभी एक्सपोर्ट किया था। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था यहां पर परमवीर चक्र को बोला गया था, यहां पर हाईएस्ट अवार्ड है यहां पर वॉर टाइम में बात करें, और कीर्ति चक्र जो है यहां पर हम लोगों ने बात की थी यहां पर, ये पीस टाइम में यहां पर हाईएस्ट देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया था यहां पर। अगर आप लोग बात करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक को बोलते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड और दूसरे को बोलते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र, और फिर यहां पर देखने को मिलेगा वॉर टाइम में यहां पर महावीर चक्र, और फिर है वीर चक्र, ठीक है। अगर देखो तो यहां पर ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग लगा सकते हैं ऊपर से नीचे तक, पर पीस टाइम में जब आप लोग बात करेंगे तो यहां पर है सबसे ऊपर अशोक चक्र, फिर है कीर्ति चक्र और फिर है शौर्य चक्र। पर लेकिन यहां पर एक ट्रिक है, अगर आप लोगों से यहां पर प्रेसिडेंस के बारे में बात करेंगे, अगर सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए तो सबसे ऊपर कौन आता है और सबसे नीचे कौन आता है, तो अगर इस तरीके से पूछ ले, यानी कि अगर वॉर टाइम में बात करें तो एक अलग होगी इनकी, एक तरीके से ऊपर से नीचे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पीस टाइम में अलग होगी, लेकिन दोनों को कंबाइन कर बोले तो पहले नंबर पर आता है परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पर आता है अशोक चक्र, तीसरे नंबर पर आता है महावीर चक्र, चौथे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र, पांचवें नंबर पर आता है वीर चक्र और छठे नंबर पर आता है शौर्य चक्र। तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया इसका, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में, तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था अच्छे से, यहाँ पर बात की जा रही थी। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और 2018 से हम लोग लेकर चल रहे हैं कि प्लास्टिक को टैकल करना है, तो उस टाइम पर बीट प्लास्टिक पोल्यूशन यानी कि प्लास्टिक के पोल्यूशन को खत्म करना है उसके ऊपर बात की गई थी, और हमारी कंट्री में रूल भी है इसको लेकर कि कैसे आप लोग प्लास्टिक के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग आइडिया रखेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और काफी अच्छे से आंसर यहां पर दिए गए हैं यहां पर, जो कि खुशी के द्वारा काफी डिटेल में आंसर दिए गए हैं। जैसे जीएसटी के बारे में मैंने बात की थी यहां पर, तो यहां पर जीएसटी के बारे में बात की थी, तो कब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया था, तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था यहां पर, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 246 याद रखेगा, जो कि यहां पर स्टेट को पावर देता है कि आप लोग यहां पर गुड्स और सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आसाम पहला राज्य बना था यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने वाला, ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके द्वारा लिख दिए गए, और फ्रांस पहली कंट्री बनी थी जीएसटी को इंप्लीमेंट करने वाला। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा जिस तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों के सामने आंसर है, दुनिया भर के क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं। इसी के साथ में ई सिल्वाडोर पहली कंट्री बनी थी जिसने बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को इंप्लीमेंट किया, तो यहाँ पर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनकी खस्ता हालत हो गई थी तो क्रिप्टो करेंसी इनको आसान तरीका लगा यूज करने के लिए। इसी के साथ में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बात की गई थी, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था यहां पर, जो कि हमारी कंट्री में अभी बजट के अंदर इसको अनाउंस किया गया ताकि बॉर्डर एरिया को हम लोग डेवलप कर सकें, और ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यहां पर जो लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी आप लोगों को यहां पर जो कि इसको कंट्रोल करते हैं आज के डेट में, ठीक है।
इसी के साथ में चार वॉचडॉग के बारे में बात की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन ये है जिसके बारे में आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा इंडियन पिनल कोड के बारे में। तो सेक्चुअल इंटरकोर्स के बारे में बात की जा रही है वाइफ के साथ में, तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, बाकी भीमसेन जोशी जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ में कनेक्ट करते थे। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी जो 4 फरवरी को इनको पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए, तो उसके उपलक्ष में अभी यहाँ पर सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में बता दी, तो काफी अच्छा लगा जिस तरीके से खुशी के द्वारा आंसर दिए गए। तो अच्छे से पार्टिसिपेट करो यार, अच्छे से आप लोग भी चीजों को अच्छे से आंसर दोगे तो अच्छा लगता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल के बारे में। और हाँ यार, आज थोड़ा सा ना माइक ना काफी दिक्कत कर रहा है मॉर्निंग में, इसके चक्कर में लेट भी हो गया लेक्चर आप लोगों का, थोड़ा सा पता नहीं क्या इशू चल रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इशू बन गया, तो इसकी वजह से लेक्चर भी आप लोगों का लेट है और आवाज़ भी पता नहीं कैसी कैसी हो रही है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने देखते हैं डिटेल में। इसको आर्टिकल क्या है, आर्टिकल बात की जा रही है क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनल लॉ के बारे में और खासकर इसमें भी मैरिटल रेप के बारे में। यानी कि जब यहां पर इंसान की शादी हो जाती है तो उसके बाद में शादी के बाद में कैसे ट्रीट करना चाहिए एक महिला को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जीएस पेपर 1 के अंदर में भी। इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ द वुमेन और इशू रिलेटेड टू वुमेन के बारे में बात करेंगे, तो आप लोगों से क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इवन क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखने के लिए यहां पर दिया जा सकता है। जैसे कि बात की जा रही है नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मैरिटल रेप इन इंडिया इज ए ड्रेडफुल स्लर ऑन द डिग्निटी एंड द ह्यूमन राइट ऑफ द वुमेन। ठीक है, यानी कि भारत में वैवाहिक बलात्कार का गैर अपराधीकरण यहां पर महिलाओं की गरिमा और मानव अधिकारों पर एक भयानक कलंक की तरीके से यहां पर देखा जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि इसके ऊपर आप लोग टिप्पणी कर सकते हैं, क्वेश्चन की तरीके से भी आप लोग इसको ले सकते हैं। मतलब क्या है यहां पर मैरिटल रेप का मतलब क्या है, जब एक हस्बैंड और जो वाइफ है, मान लीजिए शादी होगी, ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ बन गए, फिर यहां पर यह रहता है कि अगर दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है तो अगर यहां पर किसी भी तरीके से हो, चाहे जोर जबरदस्ती हो दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ में, पर लेकिन उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो ये एक गलत तरीके से यहां पर देखा जाता है कि इसको रेप नहीं माना जाएगा, तो इसको यहां पर बोले हमारी कंट्री में इसको रेप मानना चाहिए, कई सारे देश ऐसे हैं जिसको रेप माना चाहिए। आप लोग क्या मानने हैं इसमें, यस या फिर नो, आप लोग अपनी बात बता सकते हैं। मुद्दा क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मुद्दा यहां पर यह कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अभी यहां पर यह केस पहुंचा था, इसके चलते यहां पर जो बेसिकली बात की गई कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए, तो इसके चलते पिटीशन जो है उसके पास में पहुंची, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि भाई साहब आप लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव एक अप्रोच लेकर आप लोगों को चलनी है कि क्रिमिनलाइजेशन करना तो वुमेन के हाथ में एक पावर आ जाएगी। अभी हमारी कंट्री में यह काफी इंपॉर्टेंट जो यहां पर मुद्दा है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, हमारा इंडियन पिनल कोड जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं उसका सेक्शन जो है वो 375 है, यानी कि 375वां जो रेप के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलता है अगर कोई लड़की जो है उसकी एज जो है वो 15 साल से अगर नीचे है और उसकी शादी हो गई है, तो तब हस्बैंड यहां पर कुछ करता है, तो यहां पर एक तरीके से फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, तो उसको रेप माना जाएगा। पर लेकिन अगर 15 साल से ऊपर एज है तो फिर इसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो इसी के ऊपर यहां पर बवाल चल रहे हैं, तो इसको यहां पर बेसिकली क्रिमिनल की कैटेगरी में यहां पर लेकर आना चाहिए। मैरिटल जो रेप है यहां पर कहीं ना कहीं जो एक तरीके से इसके तहत यहां पर जो यहां पर कहीं ना कहीं इसको प्रॉपर वे में हमारी कंट्री में नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारी एक पैट्रियरिकल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो यहां पर पुरुष की जबरदस्ती नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल जाती है महिलाओं के ऊपर। तो इसके चलते यहां पर ये बनाता है कि ये हमको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। हस्बैंड जो है यहां पर नॉर्मली उसको गिल्टी नहीं मान सकते रेप के मामले में, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसको इस तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया तो ये मानता है कि ये सोसाइटी पर एक जो वैवाहिक रिलेशन होता है उस पर काफी गलत इंपैक्ट डालेगा। हालांकि कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि यहां पर इसको रेप की कैटेगरी में मान सकी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी जिसके द्वारा कॉमन लॉ लाया गया कंट्री के अंदर रिफॉर्म करके 1976 में, कि कोई ऐसी हरकतें करेगा अगर हस्बैंड जो है वाइफ के साथ में जबरदस्ती करेगा तो उसको रेप माना जाएगा। स्कैंडिनेवियन कई सारी कंट्री, यूरोपियन कंट्री भी ऐसी हैं जो कि इसको क्रिमिनल कैटेगरी में मानती है। तो लीगल प्रोविजन क्या है मैरिटल रेप के बारे में, तो मैंने अभी बताया यहां पर जो आप लोगों को डिटेल में कि सेक्शन 375 यहां पर इंडियन पिनल कोड का वो बात करता है मैरिटल रेप एक्सपेंशन के बारे में, ओनली 15 साल से नीचे की अगर एज है लड़की की, यानी कि वाइफ की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इशू है। पर लेकिन यहां पर ये बात है कि मैरिटल रेप जो है वो यहां पर एक्सेप्शन यहां पर क्या है कि अगेंस्ट है वुमेन के बेसिक राइट के, यानी कि महिलाओं को यहां पर एक तरीके से उनकी खुद की अधिकार, खुद की बॉडी है, उनका खुद की लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तो वो इनको ही नहीं मिल पाता है। तो इसी के चलते आप लोग याद रखेगा
अगर संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 21 के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी यहां पर बोली जाती है। तो डिग्निटी कब देखने को मिलेगी, जब हम लोग यहां पर ये सेक्शन 75 जो है 375 उसको प्रॉपर वे में यूज करेंगे, वरना ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिग्निटी को यूज नहीं करने दे रहे हैं, इनकी आर्टिकल 21 के खिलाफ में जाकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि महिलाओं के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। इसी के साथ में राइट टू इक्वलिटी के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो उसमें भी यहां पर जो सेक्शन 375 जो है वो यहां पर डिस्क्रिमिनेट कर दे रहा है। जो लड़के हैं खासकर जिनकी शादी हो रखी है 15 साल से नीचे की है और 15 साल से ऊपर की है, उनमें डिस्क्रिमिनेशन है, तो इक्वालिटी भी देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये गलत मुद्दा है, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो महिलाओं के बेसिक राइट का भी यहां पर हनन हो रहा है, तो ये बातें बोली जाती है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट तो देखिए यार ये बोलती है अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ेगा, कल को चलकर यहां पर बहुत सारे इशू निकल कर आएंगे। और किसको पता चल रहा है किसी के बेडरूम में जाकर कि फिजिकल रिलेशन जो बनाया गया था वो एक नॉर्मल फिजिकल रिलेशन था या फिर वो जोर जबरदस्ती वाली थी, कोई जाकर चेक तो कर नहीं सकता, इसके लिए कोई पैरामीटर कोई मशीन तो है नहीं। तो इसके चलते ये इशू आगे देखने को मिल सकते हैं। तो मिसयूज हो सकता है लीगल प्रोविजन जो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि सेक्शन 498A हरासमेंट जो होता है मैरिज के अंदर में उसके बारे में बात करें तो ये काफी खतरनाक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो प्रोटेक्शन करनी चाहिए वुमेन की, और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करें तो उसके चलते इनका मिसयूज होता है, नॉर्मली कई बार मिसयूज होता हुआ पाया जाता है। ऐसे यहां पर क्या किया जा सकता है, हस्बैंड को यहां पर टॉर्चर भी किया जा सकता है, यहां पर कल को चलकर हस्बैंड को भी हरास किया जा सकता है काफी लार्ज स्केल पर। अगर यहां पर कोई भी वुमेन जो है यहां पर अगर ये तरीके से कि ऐसा नहीं है कि देखिए दोनों तरीके से आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती हैं, कई सारे जो जो कई सारे लड़के या फिर कई सारे जो एक तरीके से पुरुष होते हैं बदतमीज होते हैं, पर लेकिन कई सारे लड़के या फिर महिला भी आप लोगों को बदतमीजी करती हुई नजर आएंगी, खासकर आज की सोसाइटी में देखें तो दोनों एक तरीके से देखकर बैलेंस ऐसे लेकर चलना चाहिए ताकि जो कानून है उसका सही भी इस्तेमाल किया सके और उसका मिसयूज भी ना हो। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं दहेज के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बात करते हैं कि दहेज जो है वो काफी ज्यादा सोसाइटी में बढ़ता हुआ नजर आता है, ठीक है कि दहेज दिया जाता है दहेज लिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं, पर लेकिन रियलिटी में अगर इसका दूसरा पहलू भी आप लोग देखें जो कि नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, अगर किसी को अपनी लड़की की शादी करनी है ठीक है तो क्या देखेगा, लड़का बेसिकली कैसा है, ठीक है देख लिया गवर्नमेंट जॉब है प्राइवेट जॉब है फिर खेती कर रहा है, तो देखेगा अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो ही शादी करनी है, ठीक है। ये भी देखते हैं यहां तक कि लड़के के बेसिकली बहन की शादी हो चुकी है क्या, अगर बहन की शादी हो चुकी है तो हमारी बेटी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक भी देखते हैं कि मां बाप है क्या, अगर मां बाप टुलक चुके हैं और लड़का जॉब कर रहा है अकेला रहता है और बढ़िया, ऐसी ऐसी हरकतें सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलती है, ये आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। यानी कि नॉर्मली अगर बात करें कमियां दोनों ही तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि एक ही हाथ से ताली बजाई जाती है। तो आज की डेट में देखो कि अगर कोई खेती कर रहा है वो अपने आप कमा नहीं रहा है क्या, वो भी इंसान कमा रहा है पर उसकी शादी के लाले पड़ जाते हैं कई बार, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए और गवर्नमेंट जॉब वाला होगा फिर वो क्या करेगा, उसको बड़ी गाड़ी देंगे, चाहे अपनी जमीन बेचकर क्यों ना देनी पड़ जाए पर गवर्नमेंट जॉब वाले की शादी करनी है। पर लेकिन यहां पर बाप की भी कोई गलती नहीं है, वो चाहता है कि बेटी जो है वो सही घर में जाए, पर लेकिन पैरामीटर तो है नहीं सही चेक करने का, जिसके गाड़ी दी और जिसको दुनियादारी दी उसकी क्या गारंटी है वो सही रखेगा कल को। तो सोसाइटी में अगर कोई एक तरीके कोई गलत चीज है ना तो दोनों हाथों से ताली बजती है, कभी ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है। तो दोनों ही तरीके से आप लोगों के मुद्दे देखने को मिलेंगे, आप लोग ही क्या राय है, मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, किसी को बुरा लगाओ, पर लेकिन आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया बेसिकली जो सोसाइटी में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा अपने इर्द गिर्द भी ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है यहां पर, जो यूएन है यूएन का जो पॉपुलेशन फंड है वो बोलता है कि 15 से लेके 49 के बीच में अगर बात करें तो यहां पर लगभग 2/3 जो वुमेन है यहां पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पीटा जाता है उनको गलती से, उनकी जबरदस्ती की जाती है सेक्स के लिए, ये सारी चीजें यहां पर यूएन बोलता है, ठीक है। हर 5 में से यहां पर एक जो है मैं पर, बेसिकली मैन जो है वो फोर्स करता है अपनी वाइफ को फिजिकल रिलेशन के लिए। ये इंटरनेशनल मेंस के द्वारा यहां पर जो बेसिकली इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्विटी सर्वे कराया गया उसमें ये बातें बोलेगी। अगर बात करें 104 कंट्री ऐसी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पर क्रिमिनलाइज किया जा चुका है यहां पर ये बेसिकली मैरिटल रेप को, हमारे देश से भी होना चाहिए ये बात बोली जा रही है। इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना इस कैटेगरी में भी नहीं आए हैं। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, और आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर भी आप लोग यहां पर दे सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और बाकी होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आप लोग बता सकते हैं, इसके बारे में आप लोग ही क्या रहे, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों का आर्टिकल हो जाएगा, बेसिकली यहां पर बात करेंगे इंडिया और यूके के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होगी अपनी प्यारी कंट्री और यहां से आप लोग जाओगे तो आप लोग को यूके देखने को मिलेगा। इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यूके कुछ समय पहले तक यहां पर पार्ट हुआ करता था यूरोपियन यूनियन का, पर लेकिन अब यहां पर ब्रेग्जिट के बाद में ये बाहर निकल गया, और ब्रेग्जिट का मतलब होता है
ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया ब्रेग्जिट। ठीक है, तो ये पूरा यूरोपियन यूनियन हो गया और यहां पर ये हो गया आप लोगों के सामने है यूके। यूके को लेकर कई सारे बच्चों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन रहता है, हालांकि ये बातें मैं आप लोगों को हजारों बार बता चुका हूं अगर रेगुलर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, पर फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा। जब शब्द यूके यूज करते हैं यूके, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कई सारे किंगडम को यूनाइट कर दिया। किंगडम कौन कौन से है? जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इसी के साथ में यहां पर इंग्लैंड हो गया और यहां पर वेल्स हो गया। आप लोग ये बताइए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हुई थी वो कहां पर हुई थी रिसेंटली, अभी बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन बताता है। तो ये याद रखिएगा, तो अगर इंग्लैंड पूछ ले तो इंग्लैंड जो है वो एक प्रॉपर एक बेसिकली किंग एक प्रॉपर यहां पर एक नहीं किंगडम है, एक प्रॉपर राज्य है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो वो क्या है यहां पर, और यूके पूछ ले तो तीनों में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जब ग्रेट ब्रिटेन बुलाते हैं तो उसमें तीन आ जाते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और यहां पर इंग्लैंड, इनके नॉर्दर्न आयरलैंड को अलग कर दिया जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम में चारों आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में तीनों आते हैं और बाकी इंग्लैंड तो एक अलग राज्य हो गया, तो तीनों में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और जब सबको मिला लेते हैं तो इसको ब्रिटिश इसलिस यानी कि ब्रिटेन के जो आइलैंड है वो बोल जाते हैं, इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी पूरा आ जाता है। ठीक है, अभी इशू ये भी था कि जब यहां पर यूरोपियन यूनियन के अंदर से बाहर निकला यहां पर यूके, तो बोला ये भी जाता कि अब यहां पर एक बाउंड्री बन जाएगी तो उसको कैसे टैकल करना है, तो ये भी काफी बड़ा इशू बना रहा था काफी लंबे समय तक, क्योंकि नॉर्मली जब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो आवागमन आसानी से हो जाता था यहां पर आयरलैंड के अंदर में, पर लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो एक बाउंड्री खिंच जाएगी यहां पर, इसको अलग करना पड़ जाएगा, तो ये काफी बड़ा इशू भी बन गया था। तो यूके की जो करेंसी है आप लोग याद रखिएगा, जैसे हमारी करेंसी क्या है वो है रूपी। ठीक है, इसी तरीके से यूके की जो करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है पाउंड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहां पर, यूरोपियन यूनियन की जो है वो है यूरो, तो यूरो और पाउंड के बीच में कंफ्यूज आप लोग मत हो जाना। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लेते हैं और कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी ऐसी कंट्री है जो कि बेसिकली यहां पर यूरो को यूज करती है, तो ये बताइए आप लोग, सारी की सारी कंट्री यूज नहीं करती है, इतना बता देता हूं। तो यहां पर इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ से जीएस पेपर 2 में आप लोगों का यहां पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो सिलेबस के साथ में कनेक्ट करके इसीलिए बताता हूं ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को कवर कर सकें। सबसे पहले यहां पर न्यूज में क्यों है, रिसेंटली अभी इंडिया और जो यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जो यहां पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का जो पेपर आ रहा है अभी रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में लास्ट में, वो मैंने बोला था ना कई बार एडिटोरियल में कवर हो जाते हैं डायरेक्टली, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी ऐसा मत सोचना कि मैं आप लोगों का कोई भी आर्टिकल छोड़ूंगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फीडबैक जरूर दिया करो, आप लोगों को कैसा लगता है डिस्कशन वो आप लोग जरूर फीडबैक प्रोवाइड करा करो, इससे पता चलता रहता है यूट्यूब को भी कि लेक्चर कैसा है और एक सही डायरेक्शन में चीजें चलती है। तो यहां पर बात की जा रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि ज्यादा एक दूसरे के ऊपर कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगाना, उल्टी सीधी चीजें नहीं करना, मिलकर काम करने की बात आप लोग देखते हैं। अगर बात करें दोनों कंट्री जो है वो मिलकर काम करें फ्री ट्रेड में यहां पर, इससे क्या होगा दोनों के बीच में व्यापार बढ़ेगा। तो जो एग्रीमेंट है ये काफी लंबे समय से ये खस्ते हालत में चल रहा है, अब आके बोला जा रहा है कि इसको आगे लेकर चला जाएगा, क्योंकि पहले जो यूके था वो था बेसिकली यूरोपियन यूनियन का पार्ट, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर तो यूरोपियन यूनियन के रूल और रेगुलेशन फॉलो करने होते थे उसको, पर लेकिन अब तो यार यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, अब अपने हिसाब से यहां पर चल सकता है, तो इसलिए यहां पर ये एग्रीमेंट को लेकर आगे आ रहे हैं। तो दोनों कंट्री यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं इसमें, ताकि गुड्स और सर्विस वगैरह है दोनों कंट्री में आसानी से यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके और चीजों को आगे लेकर चला जा सके, और जो भी सेंसिटिव इशू है उनको कैसे टैगल करना है दोनों कंट्री के बीच में, और इसी के साथ में यूके जो है मिलकर काम करेगा इंडिया के 2030 तक का काफी अच्छे लेवल पर चीजों को लेकर चलने की बात की जा रही है। बल्कि जो एम्बेसडर साहब है उनके द्वारा तो यहां पर यह बोला गया कि नॉर्मली अगर बात करें यहां पर तो जो व्यापार है इंडिया और यूके के बीच में वो यहां पर यूरो 23 बिलियन यूरो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो 2030 तक का बोल रहे हैं कि इसको आने वाले टाइम में डबल करेंगे। ठीक है, तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा दोनों मिलकर अगर काम कर पाते हैं अच्छे से। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरीका पैक्ट होता है जो दो देशों के बीच में या फिर दो से ज्यादा देशों के बीच में भी हो सकते हैं, कि अगर कुछ इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है उसमें एक दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रतिबंध न लगाए जाए, तो ट्रेड पॉलिसी को थोड़ा इस तरीके से रखा जाए ताकि कोई कोटा लगाता है, कोई टैरिफ लगाता है, कोई सब्सिडी देता है, कोई प्रोहिबिट करता है कि हाँ से सामान मैं खरीदो, इनके कोई भी रुकावट वगैरह दोनों देशों के व्यापार में नहीं होनी चाहिए, ये काम करने की कोशिश की जाती है। कई सारे देश क्या करते हैं अपना प्रोटेक्शनिज्म की नीति अपना लेते हैं, मतलब अपने देश के अंदर यहां पर बेसिकली दूसरे के देश के जो व्यापार है उसको बेसिकली प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक आइसोलेशन में जाने की कोशिश करते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया ले लो, ठीक है, कोई भी यहां पर व्यापार नहीं करता, आप लोग देखते हैं ना के बराबर व्यापार है इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसलिए यहां पर उनको जो भी यहां पर इस तरीके से उल्टी सीधे जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कैटेगराइज किया जाता है एज ए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट होता है और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है, तो इसके चलते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो फिर चीजों को आगे लेकर चलते हैं, यानी कि आने वाले टाइम में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो फिर आगे चलकर यहां पर और अच्छे लेवल पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी दोनों कंट्री के बीच में,
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में दोनों मिलते हुए एक दूसरे के साथ में नजर आएंगे, तो आगे आगे जो है रिलेशन वो सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। इंडिया और यूके के रिलेशन तो आप लोगों को पता है, यूके ने लगभग 200 साल तक हमारे ऊपर रूल किया है, इसी के चलते हम लोगों को लगता है यूके की सारी चीजें अच्छी, क्यों? क्योंकि रूल करने वाले इंसान को सब हमेशा अच्छा मानते हैं कि हाँ ये तो राजा है, रूल करके गया है। इसलिए सब लोग जो है इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज को छोड़कर। एक टाइम ऐसा होता अगर हमारा देश जो है यानी कि हम जो है अंग्रेजों के ऊपर रूल कर रहे होते तो वो हिंदी बोलने की कोशिश करते, क्यों? क्योंकि हमेशा जो रूल करने वालों की लैंग्वेज फॉलो की जाती है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया और यूके जो है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, दोनों कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, जनता का इलेक्टेड शासन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हिस्ट्री और कल्चर में भी एक दूसरे के साथ में काफी कनेक्ट है। इंडिया का काफी बड़ा डायस्पोरा यानी कि हमारे काफी सारे लोग जो है वो यूके में रहते हैं और वहीं पर ही अपना लालन पालन करते हैं, और बहुत सारे तो रेमिटेंस भी अपने देश के अंदर भेजते हैं। रेमिटेंस क्या होता है? जब पैसा कमाता है कोई इंसान बाहर देश में जाकर, अपने देश में जब अपने घर पर पैसा भेजता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं। यूके जो है वो हमारी कंट्री के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर देखने को मिलेगा G20 के अंदर। तो इससे हमारी कंट्री में जो आज के डेट में आप लोग बात करें, जो भी यहाँ पर आज के में इस तरीके से आप लोग देखते कि एग्रीमेंट जो हम लोग साइन करते हैं तो उससे तो व्यापार बढ़ता ही है, ठीक है। नॉर्मली अगर बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको आप लोग FDI बोलते हैं तो वे काफी लार्ज स्केल पर यूके से देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में यहाँ पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं। देखिए FDI में तो ये होता है कोई आकर हमारे देश में कंपनी के अंदर अपना शेयर वगैरह खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिक्स चीजें कर रहा है। FII क्या होता है? ये एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं कि आए स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट किया, जब भी यहाँ पर लगा कुछ गड़बड़ हो रही है तुरंत निकाल कर लेकर रातों रातों। इसलिए कई बार देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज है वो धनाम नीचे पड़ जाता है अगर यहाँ पर जब भी कोई ऐसा इश्यू निकल कर आता है। तो ये सारे आप लोगों को यहाँ पर बेसिक पता होना चाहिए तो पता चलता रहेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्री के बीच में, क्योंकि दोनों कंट्री के बीच में जो एक्सपोर्ट है गुड्स का वो यहाँ पर बढ़ता होना जाएगा। इसी के साथ में सर्विसेज के मामले में भी काम करेंगे, काफी लार्ज क्रिएट किया जाता है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर गुड्स हो गए, ठीक है, फुटवेयर हो गए, तो यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट भी आप लोगों को बूस्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आज के डेट में काफी ज्यादा फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। मेरीन जो प्रोडक्ट होते हैं मछली वगैरह या फिर झींगे वगैरह ये सारी चीजें, तो काफी लार्ज स्केल पर प्रोटीन का सोर्स माना जाता है यूके जैसी कंट्री में इनको, तो वो यहां पर इसको भी खरीदते हुए नजर आएंगे। तो 56 जो मेरीन यूनिट है इंडिया की उनको रिकॉग्नाइज की जा रही है, तो आने वाले टाइम में ये भी प्रोडक्ट बढ़ेगा यहाँ पर, और खासकर साउथ इंडिया के जो हमारे राज्य हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर सर्विसेज पर भी फोकस किया जाएगा, ये तो गुड्स हो गए सामान वगैरह, सर्विसेज में हमारी कंट्री से काफी ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मार्केट में हम तो IT हब है हमारी कंट्री, तो हम लोग उसको लेकर चल सकते हैं, तो काफी अच्छे से कंपटीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे IT हो गया यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITS हो गया जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, यानी कि वो सर्विसेज जहां पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, नर्सिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आयुष, ये ऑडियो विजुअल सर्विस, यानी कि बहुत सारी ऐसी आप लोगों को यहां पर सर्विस देखने को मिलेगी जो इंडिया प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। वीजा रिस्ट्रिक्शन के इशू पर बात कर सकते हैं कि वीजा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा दोनों कंट्री में देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटजिक एडवांटेज क्या देखने को मिलेगी, जो यूके है वो परमानेंट मेंबर है यूएन का, सिक्योरिटी काउंसिल का, आप लोगों को बताया ना जिनके पास में वीटो पावर होती है। अच्छा ये बताइए कौन से आर्टिकल में यूएन के वीटो पावर के बारे में मेंशन किया गया है? ये छोटे छोटे एग्जाम में जो आप लोग तैयारी करते हैं ना वहां पर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, वन डे टाइप में जो एग्जाम होते हैं। तो जो यूएन है यहां पर उसकी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप लोग याद रखिएगा, उसमें यूके परमानेंट मेंबर है। तो यूके हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, एक और कौन सी कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश चाइना। तो यहां पर अगर हम लोगों को पता है रशिया हमारी हेल्प करता है, कल को यूके भी अगर एक और परमानेंट मेंबर हमारी हेल्प करने लगे वहां पर तो काफी अच्छा रहेगा, खासकर हमारे सपोर्ट में काम हो जाए। यहां पर दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रिसेंटली अभी चाइना और लद्दाख के इशू पर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुद्दे पर, परमानेंट सीट के मुद्दे पर यूके जो है वो हमको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो इससे दोनों कंट्री के बीच में आगे आने वाले टाइम में अच्छे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। न्यूज एनलिस्ट वाले एरिया में जब आप लोग चलेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल है, एक एक कर कवर करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में कवर करूंगा ताकि चीजों को अच्छे से कोरिलेट आप लोग कर पाए। सबसे पहले तो कार्टून है, आप लोग इसके बारे में बताइए, आप लोग इस कार्टून के बारे में क्या सोचते हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने 30% अभी टैक्स के बारे में किसके बारे में बात की जा रही है, आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है, तो अच्छे से बताइए इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इस कार्टून को लेकर। 40 से 50 शब्द में आप लोग यहाँ पर इस कार्टून को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में। बाकी कुछ और इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे इन्फोर्मेंस जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा पंजाब के जो यहाँ पर नेफ्यू हैं उनको पकड़ लिया गया, तो इसके चलते यहाँ पर ये सारे इग्नोर कर सकते हैं। ओवासी साहब के द्वारा Z+ सिक्योरिटी को मना कर दिया गया, तो ये कोई मतलब की आर्टिकल नहीं है। ये आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लोकता युक्ता के बारे में बात की जा रही है। तो पूरा इशू क्या है मैं डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, और ये जो इशू है बेसिकली आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है केरला से, तो अच्छे से आप लोग इसको समझिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर न हो।
इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों को सुनना है, और ये आर्टिकल जो है बेसिकली इससे आप लोगों का एक क्वेश्चन भी बनेगा जो कि आप लोगों का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन होगा आज, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है रॉन्ग रूट के बारे में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करो, इससे सही चलती है चीजें। कल काफी अच्छा फीडबैक आप लोगों ने दिया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया। कोशिश करो जैसे अगर वीडियो पर 40,000 50,000 व्यूज आ रहे हैं तो 1/4 कम से कम आप लोग इसको बेसिकली फीडबैक दो, यानी कि अगर 40,000 जा रहे हैं तो एटलीस्ट 10,000 लोग कम से कम आप लोग फीडबैक दे सकते हो, जिससे कि वीडियो का ये पता चलता है कि वीडियो सही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। कुछ नहीं बिगड़ता, एक सेकंड में आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं, और ज्यादा ही अगर आप लोग को अच्छी लग जाती है तो शेयर कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें अगर आप लोग देंगे तो ये YouTube को फीडबैक के तौर पर जाती हैं, ठीक है। रेगुलरली बोलना पड़ता है, चाहो तो आप लोग कर सकते हो, पर लेकिन बिना बोले आप लोग भूल जाते हो, तो इसलिए थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। तो इसको आप लोग जरूर किया करो, जिससे कि वीडियो जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे, ठीक है। टॉपिक के अंदर चलते हैं। टॉपिक के अंदर चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जीएस पेपर 2 के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर स्टेचुटरी बॉडी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की जाती है। बात करेंगे लोकपाल लोकायुक्ता के बारे में, और बात की जा रही है हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में राज्य केरला के बारे में। केरला जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ में बॉर्डर टच करता है। पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये देखेगा, अभी केरला में हुआ क्या वो समझ लेते हैं। केरला में अभी केरला की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लोकायुक्त एक्ट के अंदर अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू चेंज करने की बात की जा रही है, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करने की बात की जा रही है। आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्या हो गया भाई साहब, संशोधन करना पड़ेगा, वो भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो भी किसके थ्रू? ऑर्डिनेंस के थ्रू। ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्प्रेरी तरीका होता है चीजों को चेंज करने का, वरना आप लोगों को पता है पूरा तरीका क्या है। पहले आप लोग इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां पर लोकसभा राज्यसभा में पास करो, फिर प्रेसिडेंट के साइन करो, तब चीजें होंगी, ठीक है। पर लेकिन ऑर्डिनेंस क्या करता है? आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस करता है, जरा सी देर में झट मंगनी पट बिहा वाला, एक तरीके से एक इशू कर देता है प्रेसिडेंट यहां पर सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर गवर्नर काम करता है। तो जैसे सेंट्रल लेवल पर आर्टिकल यूज किया था आर्टिकल 123, स्टेट लेवल पर पता आप लोग कौन सा आर्टिकल यूज किया था ऑर्डिनेंस लाने के लिए? बताइए, अध्यादेश लाने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया था? बड़ी छोटा सा पद्धति सा क्वेश्चन है, पर लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से स्टेटमेंट में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर केरला के बारे में हम लोग बात करें तो केरला ने ऑर्डिनेंस लाया, और ये ऑर्डिनेंस लाया लोकायुक्ता के लिए। अब आप लोग बोलेंगे आप तो लोकपाल बोल रहे थे, लोकायुक्ता कहां से आ गया? भाई साहब नाम अलग अलग है पर लेकिन काम वही है, यानी कि सेंटर में जिसको आप लोग लोकपाल बोलते हैं, स्टेट में उसको लोकायुक्त बोलते हैं। पूरा प्रोसीजर बताऊंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन जाएगा एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा खासकर इस टॉपिक का, तो जो कि एक पूरा चैप्टर आप लोगों का तैयार कर देगा पॉलिटी का भी, ठीक है। तो ये इसलिए ध्यान से सुनेगा, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर देते चलिएगा। अभी हुआ क्या यहाँ पर, जब यहाँ पर बोला गया ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, ठीक है, तो कांग्रेस जो कि यहाँ पर अपोजिशन में है और इसी के साथ में बीजेपी, उनके द्वारा गवर्नर को अपील की गई कि भाई साहब इस ऑर्डिनेंस को पास मत करो, अगर ऐसा कुछ लग रहा है इनको कि हाँ यहाँ पर इस तरीके की चेंज होना चाहिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो ना भाई, इतनी जल्दी क्या होगी, पेशेंस रखो थोड़ा सा, उसके बाद में आप लोग अपना इसको असेंबली में पास करा लेना, अगर असेंबली में पास हो जाए तो इंप्लीमेंट कर देना। अभी क्या भगदड़ आ गई यार तुम्हारी, तुम इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू हटाने चल दिए, वो भी लोकायुक्त को, जो कि यहाँ पर एक तरीके से करप्शन को रोकने का काम करते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हुआ क्या था, अभी अप्रैल के महीने में 2021 में इनके एजुकेशन मिनिस्टर थे जिनका नाम था केटी जलील, ठीक है। तो यहां पर इनको रिजाइन देना पड़ गया था नेपोटिज्म के चक्कर में। नेपोटिज्म क्या होता है? ये एक वोकैबुलरी का शब्द आप लोगों को हो जाएगा, बेसिकली भाई भतीजावाद, यानी कि अपने लोगों को बैठा देना किसी पोस्ट पर ले जाकर, और एक तरीके से अपने फेवर में बात करना, अपने लोगों के फेवर में बात करना, यानी कि एक तरीके से काबिल पर्सन को वहां पर न पहुंचने देना, बेसिकली अपनी यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाना, तो इसको नेपोटिज्म बोल देते हैं। तो कई सारे आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिशियन लीडर जो है, इवन कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब कोई आईएएस की पोस्ट पर चला जाता है तो कई बार ऐसे ना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने की बात आती है तो अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को दिला दिया, तो ये नेपोटिज्म होता है जो कि गलत है, अपनी पोस्ट का एक दुरुपयोग ये माना जाता है, ये एथिकल नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जब लोकपाल के पास में केस पहुंचा तो इनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया अपनी पोस्ट से। तो इसके चलते यहां पर लगा कि यार लोकपाल को तो बड़ी पावर दे दी है यार, ये तो सर पर नाचने लगा, हम लोग तो इलेक्ट होकर आते हैं, जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, और यहां पर एक अपॉइंटेड बॉडी हमारे सर पर आकर बैठ गई है। तो इसके चलते उनको अपनी पोस्ट यहां पर छोड़नी पड़ गई। तो लोकायुक्त जो है यहां पर स्टेट के अंदर में और लोकपाल जो है सेंटर के अंदर में होता है, ये यहां पर बेसिकली अपना काम करते हैं। तो इसके चलते इनको लगा कि यहां पर अगर लोकायुक्त ने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, तो वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू नहीं रह सकता, फिर उसको अपना ऑफिस यहां पर छोड़ना पड़ जाता है। जैसे यहां पर इनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ गया तो ये जो एपिसोड यहां पर हुआ, ये जो कंडीशन यहां पर बनी, केरला गवर्नमेंट है इसकी वजह से सदमे में आ गया, कल को कुछ और छोटा मोटा काम हो गया यहां तो सबको रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, हम तो चुनकर आते हैं वैसे भी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो उनके द्वारा बोल दिया गया भाई साहब ये तो असंवैधानिक है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, केरला की गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि ये असंवैधानिक है। तो लोगों ने बोला कैसे भाई जरा समझाओ, तो हमारे तो समझ में आ रहा नहीं रहा असंवैधानिक कैसे है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है। तो केरला की गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया हम लोग ऑर्डिनेंस इसलिए लेकर आ रहे हैं
क्योंकि अगर बात करें तो यहां पर ये क्या कर रहा है अभी यहां पर लोकपाल, ये गवर्नमेंट जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है वो इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, जो गलती लोकपाल के एक्ट में की गई है, लोकायुक्त के एक्ट में की गई है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये मिनिस्टर को हटा दे रहा है, जो मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया रहा है और वो भी यहां पर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट किया रहा है, तो आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 का हनन कर रहा है संविधान के अंदर में, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ये बात इनके द्वारा बोली गई। मतलब क्या था इसका, इसका मतलब ये था कि अगर कल को यहां पर किसी के खिलाफ ऐसा कुछ हो जाता है, यहां पर कोई करप्शन के चार्ज में पकड़ा जाता है, भाई साहब नो अपील नो दलील, सीधा उसको हटा दिया, ठीक है। तो देवा की अदालत चल रही है, सनी देओल की मूवी आप लोगों ने देखी होगी कि ये देवा की अदालत है, ठीक है। तो यहां पर बस न्याय होता है, तो यहां पर कोई तारीख पे तारीख नहीं लगती है, तो वही काम चल रहा है यहां पर, कोई तारीख नहीं, कोई अपील दलील नहीं, भाई साहब सीधा केस है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो बोला जा रहा है कि नो प्रोविजन फॉर अपील, तो अपील के लिए कोई प्रोविजन ही रखा है भाई साहब, तो ऐसे कैसे चलेगा भैया, तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो गवर्नर जो है यहां पर उनको अपोज किया जा रहा है कि वो यहां पर इसको जो अमेंडमेंट को लेकर न्याय, क्योंकि यहां पर ये बात की जा रही है कि क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है ये एक ऑर्डिनेंस के तौर पर आप लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या करना चाहिए यहां पर एक तरीके से, इसको अगर आप लोगों को लग रहा है गलत है तो ऑर्डिनेंस नहीं, आप लोग इसको प्रॉपर एक असेंबली के अंदर में अपना एक प्रॉपर बिल लेकर आओ, उसके बाद में उसको पास करो। तो जो प्रपोज किया जा रहा है यहां पर अमेंडमेंट, ठीक है, तो ये गवर्नर जो है एक तरीके से इफेक्ट करेंगे अभी यहां पर। तो लोकायुक्त की जो भी फाइंडिंग होगी, मान लीजिए अभी क्या हो गया, लोकायुक्त ने कुछ यहां पर चीजें खोजी, कुछ पकड़ के लेकर आया कि अच्छा इसने ये हरकतें कर दी, तो उसको हटा दिया ऑफिस से। अब यहां पर क्या होगा इस अमेंडमेंट के बाद में, गवर्नर जो है और गवर्नमेंट जो है यहां पर, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो भी लोकपाल की या फिर हालांकि स्टेट के अंदर लोकायुक्त होता है, बार बार लोकपाल बोल रहा हूं, यहां पर जो लोकायुक्त की फाइंडिंग होगी, इनके जो भी लोकायुक्त यहां पर सामने लेकर आएगा मुद्दा, उस मुद्दे को 3 महीने तक यहां पर बेसिकली ये क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। 3 महीने का टाइम इनको दिया जाएगा कि उस इंसान को हटाना है या फिर नहीं हटाना है। पहले इंपोर्टेंट मुद्दा तो ये है यहां पर, ठीक है। दूसरा इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर ये, जो पहले टाइम नहीं दिया जाता था, अब टाइम मिल जाएगा। और दूसरा, अपील करने का भी यहां पर ऑप्शन रहेगा कि वो इंसान जो है वो अपील कर सकता है, अगर उसको लगता है कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी अधिकार देना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि हाँ सामने वाले को अधिकार देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग उसको बिना सुने ही एक तरीके से फांसी पे चढ़ा दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर राइटर भी बोल रहे हैं यार गवर्नमेंट का पॉइंट तो वैलिड है, ठीक है, समझ में आता है कि यहां पर गवर्नमेंट सही बोल रही है, वैलिड पॉइंट है कि हाँ अपील करने का ऑप्शन मिलना चाहिए सामने वाले को, उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि एक तो अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं बन सकते, नेचुरल जस्टिस ये बोलता है। दूसरा ये बोलता है सामने वाले को बोलने का मौका तो दो, भाई साहब आप बोलने का ही मौका नहीं दे रहे तो काम क्या रह गया फिर, दूसरा ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी के चलते यहां पर ऑर्डिनेंस रूट क्यों लेकर आ रहे हो ये तो बता दो तुम, चलो सही है तुम सही हो अपनी जगह पर, लेकिन ऑर्डिनेंस अध्यादेश को भाई आप लोग इसको अपना असेंबली में पास करके लेकर आओ ना, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और वैसे भी यहां पर जो भी चीजें रखी गई हैं वो तो एक तरीके से सही तो तरीका ये है ना कि एक तरीके से करप्शन फ्री अगर आप लोग हो, यानी कि ये तो बिल्कुल वही बात होगी ना कि अगर एक इंसान जो है उसको पता है कि वो एक सही इंसान है, ठीक है, तो फिर सामने वाला चाहे कितने भी नंगे नाश कर ले आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला कोई उन्होंने आप लोगों के ऊपर सीबीआई बैठा दी, ईडी बैठा दी, उन्होंने लाकर लोकपाल बैठा दिया, लोकायुक्त बैठा दिया, या खुद आकर कोई भी बैठ जाए सारी पूरा जो भी है आप लोगों के सर पे, आप लोगों को पता आपने कुछ गलत नहीं किया, भाई साहब अपने सुने सीना छोड़ा करके अपना काम कर रहे हो आप लोग, आपने कुछ गलत ही नहीं किया, अब कर लो जो जो डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, आप लोगों ने कहीं टैक्स में चोरी की है, आप लोगों ने ना कहीं कुछ गलत काम किया, तो फिर जो भी जो कर रहा है उसको करने दो ना, तुम्हारे पर क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। पर लेकिन वही है कि एक तरीके से कि चांद में भी दाग है, तो इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा हर एक इंसान में कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोर हो जाता है, कोई पैसों के मामले में कमजोर हो जाता है, कोई रिलेशनशिप के मामले में कमजोर हो जाता है, या फिर कोई और मुद्दा पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं आकर इंसान टिक जाता है और कमजोरी पकड़ी गई तो फिर गया। तो इसलिए यहां पर बोला जाता है कि अगर कल को आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो इमोशनली थोड़ा सा आप लोगों को स्टेबल होना पड़ेगा, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोगों को यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पर अगर आप लोग सही है, करप्शन फ्री है, तो आप लोग को इन सब चीजों से चिंता में नहीं आना चाहिए, कोई वरी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों को ढंग से काम करना चाहिए, जो भी चल रहा है उसको चलने दीजिए, पर लेकिन ऐसा नहीं है। तो बोला गया कि चलो फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि चीजें गलत है, जल्दबाजी में स्टेप मत उठाओ, विधानसभा में अपना एक प्रॉपर संशोधन लेकर आओ और उसमें चेंज कर डालो, और फिर अपनी लाइफ को उन्हें कहते हैं ये लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो फिर अपनी लाइफ को झिंगा लाला करके एंजॉय करते रहो, कौन आप लोगों को पूछ रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल है जो मैंने आप लोगों को ये राम कथा सुनाई पूरी, तो ये पूरे इस आर्टिकल की कहानी है। अब यहां पर ये तो आर्टिकल खत्म हो गया, अब यहां पर स्टार्ट होता है हमारा पॉलिटिकल चैप्टर जो कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ये बात करेंगे हम लोग हमारे देश में लोकपाल या फिर लोकायुक्त निकलकर आया तो आया कहां से। अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को यहां से देखने को मिल जाएंगे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर में, उनको आप लोग एंजॉय करोगे और देखिए बताता हूं अभी चलूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यानी कि केंद्र की सरकार के ऊपर लोकपाल को बैठा दिया गया यहां पर कि हाँ देखते रहे कि भाई साहब कौन कौन कुछ गलत कर रहा है, जैसे ही गलत कर रहा है उसको जाकर तुरंत उठा लो, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकायुक्त बैठा दिया, बैठाया किससे गया, 2013 का एक संविधान में ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक तरीके से जो मैंने संविधान शब्द यहाँ पर यूज किया है, ये बेसिकली इसका शब्द का मतलब भी यही है यहाँ पर, ताकि इसको आप लोग फोकस रखो, क्योंकि एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर जब मैंने पढ़ाया भी था पहले भी, मुझे मेल किया गया था बड़ा ही बड़ा, ठीक है, कि सर ये तो संविधान में है ऐसा कुछ है फलाना ढिमकाना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये मैंने पॉलिटी के अंदर भी आप लोगों का डिटेल में चैप्टर कवर किया था आप लोगों का, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, देखिए आप लोगों को तीन तरीके की बॉडी देखने को मिलेंगी। एक तो होती है संवैधानिक बॉडी, जिसको आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक बॉडी वो होती है जिसके बारे में संविधान में लिखा होता है कि हाँ भाई साहब एक आर्टिकल है उसका, यहाँ पर ये आर्टिकल है, जैसे कि आप लोग बोले फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो आर्टिकल 280 हो गया उसके लिए, तो क्या हो गया वो संवैधानिक बॉडी हो गई। पर लेकिन अगर बात करें, ये होगी स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके बनाएगी 2013 में, इसके बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर ये कैसी होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बोल देंगे, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट में एक लॉ को पास करके बनाएगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तीसरे नंबर की बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, ना तो उसके बारे में संविधान में कोई आर्टिकल है, ना ही पार्लियामेंट में पास करके बनाई है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया और बस बोल दिया कि ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा प्लानिंग कमीशन देश में हुआ करता था, ठीक है, ऐसे ही नीति आयोग आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर यहां पर काम करता है, गवर्नमेंट के हिसाब से सारी चीजें यहां पर चलती है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी नॉर्मली क्यों लेके आती है, ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो उसके ऊपर, ठीक है। ऐसा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहा था जब हमारे देश में प्लानिंग कमीशन लेकर आया गया, बोला गया यार हम लोगों ने अभी तो संविधान को इंप्लीमेंट किया है, उसके जस्ट एक डेढ़ साल बाद में आप लोगों ने प्लानिंग कमीशन ला दिया, आखिर इसको आप लोगों ने संविधान के अंदर क्यों नहीं रखा प्लानिंग कमीशन को। तो मुद्दा यह था अगर संविधान के अंदर रख देते कल को कोई चेंज करना पड़ जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता, पर लेकिन अभी यहां पर गवर्नमेंट के हाथ में है तो अपने हिसाब से उसको तोड़ मोड़ लेते हैं कि यहां पर फाइनेंस कमीशन की पावर प्लानिंग कमीशन को दे दी, तो कई सारे इश्यूज बन जाते हैं। तो ये मैंने टॉपिक आप लोगों से पॉलिटिकल के अंदर डिटेल में कवर किया था, जो यहां पर बेसिकली कि क्या क्या दिक्कत थी यहां पर उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन और यहां पर हमारी जो बेसिकली फाइनेंस कमीशन के अंदर में, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन थी संवैधानिक बॉडी, प्लानिंग कमीशन थी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो प्लानिंग कमीशन को ज्यादा पावर दे रखी थी पैसों के मामले में एज कंपेयर टू प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, तो उसकी वजह से कई सारे मुद्दे देखने को मिलते थे। तो मोदी जी बोलते थे यार आते इसको खत्म करूंगा, तो उन्होंने आते सबसे पहले यहां पर प्लानिंग कमीशन को उड़ा दिया, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या आ गया उसकी जगह नीति आयोग आ गया। ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया था यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर में, बताइए प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग किस साल में आया, बताइए, चलिए आप लोग देखता हूं किस चीज को पता है। तो बात करते हैं यहां पर स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में, तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि यहां पर एक तरीके से पार्लियामेंट में लोगों को पास करके बनाई जाती है। अब यहां पर एक शब्द यूज किया था, इसको बोलते हैं ओम्बुड्समैन, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो फंक्शन है ओम्बुड्समैन का, इसका मतलब होता है इंक्वायरी करना करप्शन के मैटर को, जो कि पब्लिक जो यहां पर फंक्शनरीज होती है, अगर कोई यहां पर पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, जैसे कल को चलकर आप लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हैं और ऑफिस में जाकर बैठते हैं, कोई भी अगर ऐसी गंदी हरकतें अपने दिमाग में रखेगा कि हाँ यहां से करप्शन करके पैसा कमा लेते हैं, तो ओम्बुड्समैन क्या कर सकता है, उसको आपकी पोस्ट से आप लोगों को चलता कर सकता है, यानी कि जरा सी देर में जो है वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और फिर गाना गाओ के गुत्थी वाला जिंदगी बर्बाद हो गया हमको आता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था फिर बोलोगे ऐसी ऐसी बातें। तो इसलिए हमेशा करप्शन से दूर रहना है जिंदगी में, अपनी कमाई की खाओ और चादर तान कर सो जिंदगी में खुश रहना है तो, और छोटी सी जिंदगी है यार, कहां जाओगे फालतू में करप्शन करके दूसरे का हक मारकर, अपने हक को इतना बड़ा कर दो ना कि आप लोगों के हक में ही आप लोगों की जिंदगी अच्छी चलती रहे, पैसे कमाओ अपने हक से कमाओ, अपना काम को ढंग से करो, अगर आप लोगों को लग रहा है जो भी आप लोग अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जिंदगी को जीना चाहते हो और सही तरीके शांति में, तो हमेशा अपने हक की कमाई पर एंजॉय करना सीखो, ना कि करप्शन की कमाई पर। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले ओम्बुड्समैन, जिसको हम लोग अपनी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको लेखपाल, तो लेखपाल तो पटवारी होता है, ठीक है, लोकपाल बोलते हैं। तो यहां पर इसको बोलते हैं बेसिकली, स्वीडन के बारे में बात करें तो स्वीडन में सबसे पहले आया था 1809 में, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, जहां से निकल कर आया कि भाई ओम्बुड्समैन जैसा कुछ एक ऐसा कुछ बवाल होगा जो कि यहां पर सबको कंट्रोल करेगा। क्यों रखा गया इसको, इसलिए रखा गया क्योंकि गवर्नमेंट में कोई आकर बैठ गया, सारी बॉडी गवर्नमेंट की उसके हाथ में आ गई, अब उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए ना, जो कि यहां पर देखिए गवर्नमेंट सही कर रही है फिर गलत कर रही है, चुनकर तो भेज दिया पर हरकतें क्या कर रही है समझना पड़ेगा। 20th सेंचुरी में ओम्बुड्समैन जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लगा कि यार इसकी और जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो फिर न्यूजीलैंड और नॉर्वे जो थी उनके द्वारा भी लाए गए यहां पर 1962, जब हमारा देश चाइना के साथ में भिड़ रहा था उस टाइम पर यहां पर इन्होंने अपना ओम्बुड्समैन बना डाला, ठीक है, कौन सी, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। तो देखोगे स्वीडन न्यूजीलैंड नॉर्वे, अगर इनको आप लोग ध्यान से देखोगे ये मैक्सिमम आप लोगों को ये कंट्री नजर आएंगे, जैसे कि आप लोग यहां पर देखते हैं ये हो गया नॉर्वे, ठीक है, ये हो गया स्वीडन,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा न्यूजीलैंड, यहां पर ये वो कंट्री है जो कि ज्यादातर आप लोगों को जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब आप लोग देखोगे ना उठाकर उसमें टॉप पर बैठी हुई ये कंट्री आप लोगों को मिलेंगी, यानी कि स्टार्टिंग से ये जनता के फेवर में काम करती जाती है। फिर आगे आगे चले यहां पर तो व्हाइट रिपोर्ट निकाल कर आए 1961 में, जिसके चलते ब्रिटेन को लगा भाई साहब हम क्यों पीछे रहे, तो 1967 में इनके द्वारा भी ओम्बुड्समैन जो है वो अपने देश में इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये पहला एक बड़ा डेमोक्रेटिक ऐसी कंट्री निकल कर आया जिसने दुनिया के ऊपर राज किया था, तो राज करने वालों ने भी बना दिया भाई साहब कि हाँ हम लोग इसको बनाएंगे। पहली कंट्री ऐसी थी डेवलपिंग जिसका नाम था गुयाना, 1966 में गुयाना के द्वारा लगा कि हाँ हमको भी ये काम कर देना चाहिए, तो इसने भी यहाँ पर ये काम कर डाला। आज मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों का गुयाना जाकर मैप में नहीं हारेगा कहाँ पर लोकेटेड है, चलिए ये बताइए किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में, कहाँ पर है, चलिए इतना ही बता दीजिए ठीक है। जाकर देखेगा बेसिक पर्पज ये रहता है कि मैप को अगर डेली आप लोग रेगुलरली देखोगे ना तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे ठीक है। इसी के साथ में अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर तो ये अडॉप्ट किया गया आगे चलकर मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया और इसमें हमारा देश भी है जो कि अपनी प्यारी कंट्री, यानी कि हमारा देश भी है, इसको इंप्लीमेंट करने के बाद में हमारा भारत भी एक महान भारत यहाँ पर बन गया इसको इंप्लीमेंट कर ठीक है, यानी कि हमारे देश भी इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अगर बात करें देश के अंदर में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट प्रपोज किए गए थे यहाँ पर लो मिनिस्टर के द्वारा जिनका नाम था अशोक कुमार सेन 1960 में। देखिए कब से स्टार्ट की थी गड्डी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में बात की जा रही है वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए, तो 33% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर में। पर लेकिन मुद्दा यह है कि यहां पर 2008 में इस मुद्दे को स्टार्ट किया गया था और अभी 2022 में आप लोगों से आर्टिकल कर रहा हूं डिस्कस, ये ठंडे वस्त्र में पड़ा हुआ है, इसके बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन है ना जो एक तरह से पैट्रियरिकल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश है, उसमें महिलाओं को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। सेम देखिए यहां पर जब इनके ऊपर कुछ आती है ना कि अपने ही ऊपर कोई आकर बैठेगा, तो 1960 से ये मुद्दा स्टार्ट किया गया था और अभी मैं 2022 में डिस्कस कर रहा हूं यहां पर ये आर्टिकल और 2013 में यहां पर इसको बनाया गया, समझ रहे आप लोग कितनी खतरनाक बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टूड एक तरीके से करिएगा कि यहां पर जब कोई भी ऐसा मुद्दा आए कि हाँ इनके ऊपर ही कोई एक कंट्रोल करने आ रहा है तो उसमें फिर कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अशोक कुमार जो सेन थे पहले थे यहां पर, हालांकि इसको पास नहीं किया गया। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है और लार टपक जाती है एग्जामिनर की इसके ऊपर, यह है डॉक्टर एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कमेटी के बारे में, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो इनके द्वारा 1966 में यह शब्द जो है कॉइन किया गया कि इसको लोकपाल बोलेंगे, यानी कि जनता का रखवाला लोकपाल, ठीक है। 1966 में पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म लेकर आया गया जिसको एआरसी की रिपोर्ट बोलते हैं, तो पहली एआरसी जो रिपोर्ट ले गई उसने बोला कि दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, एक सेंटर पर और एक स्टेट के लेवल पर, जो कि यहां पर इनकी गंदी हरकतों को देखें कि इनके द्वारा क्या क्या बदतमीजियां की जा रही हैं और उनको कंट्रोल करके लेके, ठीक है। तो एआरसी ने बोल दिया 1966 में, तो फिर लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा। फिर 1968 में यहां पर 1968 में एक लोकपाल बिल लेकर लाया गया लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में तो भाई साहब वो पास कर दिया, पर लेकिन आगे चलकर फिर डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का, तो फिर यहां पर चीजें आगे नहीं बढ़ पाई और कई बार यहां पर ट्राई किया गया। फिर यहां पर जब ट्राई करते करते अथक प्रयास किया गया, मैंने कहा एक तरीके से अखंड प्रयास किया गया, तो उसके बाद में फिर यहां पर 2011 में 8 जो अटेम्प्ट किए जा चुके थे यहां पर, इतने तो यूपीएससी भी अटेम्प्ट नहीं देती यहां पर लोगों को एग्जाम के लिए, 8 अटेम्प्ट यहां पर ये कर चुके थे पर लेकिन फेलियर मिला इनको। फिर 2000 अगर बात करें यहां पर एक पर्टिकुलर जिसे मैंने बताया ना अभी यहां पर रिव्यू द वर्किंग ऑफ कमीशन करने के लिए 2002 में भी यहां पर एक तरीके से बनाया गया था, ये याद रखिएगा क्वेश्चन बन चुका है कई बार ये भी, ठीक है, कि हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान कैसे काम कर रहा है, कि सही चल रहा है डायरेक्शन में या फिर इधर उधर भटक गया है, तो उसको रिव्यू को देखने के लिए एमएन वेंकट चलैया की रिकमेंडेशन के बाद में भी यहां पर बातें देखने को मिली थी। इनके द्वारा भी लोकपाल लोकायुक्ता की बात की गई थी और बोला गया था कि एक तरीके से रिकमेंड किया गया कि पीएम जो है, ठीक है, उसको इसके इसके एम्बिट से यानी कि इसके अंदर से बाहर रखना चाहिए, यानी कि यहां पर जो पहले जो बेसिकली 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन लेकर आए उन्होंने बोला कि यहां पर एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको इसके अंदर कम से कम लेकर आना चाहिए, पर लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है उसको बोला गया कि कैप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को इससे बाहर रखो, ठीक है। देखिए प्राइम मिनिस्टर को और भी बहुत सारे काम होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो हो सकता है कल को इश्यू बन जाए यहां पर एक बहुत बड़े, तो इसको बाहर रखने की बात की गई, ठीक है। तो इसके चलते मुद्दा देखने को मिला। 2005 में जब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेकर आया गया, ये सारे क्वेश्चन है भाई साहब इनको पेपर को उठा के देखो ना, ये यहां पर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया, ठीक है, ये एलएम सिंघवी कमेटी के बारे में, ये वेंकट चलैया जी के द्वारा रिव्यू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, ये क्वेश्चन है सारे डायरेक्ट एग्जाम के आप लोगों के। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किसके द्वारा बनाया गया यहां पर, किसके अध्यक्षता में, तो वीरप्पा मोइली, ठीक है, तो इनके द्वारा भी बोला गया यहां पर कि बिना डिले किए हुए भाई साहब इमीडिएटली लोकपाल बना दो, ठीक है, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। 2011 में यहां पर गवर्नमेंट एक बेसिकली एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में इसको बनाया गया और देखा गया कि कैसे इसको लेकर चलना है। और फिर आगे चलकर इंडिया अगेंस्ट जो करप्शन मूवमेंट चला, जिसमें अन्ना हजारे जी के द्वारा बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया यहां पर, तब जाकर यहां पर गवर्नमेंट को लगा कि यार अब करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट को यहां पर करना पड़ा और ये वही
मुद्दा है जब यहां पर दुनिया जो है वो सड़कों पर आ गई थी, ठीक है, उस टाइम पर लग रहा था कि देश के अंदर बदलाव आने वाला है, तो उसी टाइम से यहां पर एक तरीके से अरविंद केजरीवाल जो थे अन्ना हजारे जी के साथ में मिलकर उनके द्वारा काम किया गया और फिर आगे चलकर अन्ना हजारे जी साइड में हट गए और अरविंद केजरीवाल जी है वो चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही आप लोग इसको कंपेयर करोगे तो बिल्कुल वही था जैसे महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे और किरण बेदी जी थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी एक तरीके से साइड में हट गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर कंडीशन क्या बनी, ऐसे ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, मैं जैसा वहां पे था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी साइड में हट गए और यहां पर क्या कहते हैं एक तरीके से किरण बेदी सुभाष चंद्र बोस जी साइड में हो गए, उसी के साथ में बन गए यहां पर कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी केजरीवाल जो थे वो यहां पर बन गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक तरीके से वो बन गए चीफ मिनिस्टर। यानी कि बस याद करने के लिए याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा नहीं है आप लोग इसको कोरिलेट करके देखने लोगों, एक तरीके से बस थोड़ा सा आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर ये कि एक तरीके से यहां पर मुद्दा पूरा ये हुआ, अब सेंटर में और स्टेट में बन गए यहां पर एक तरीके से लॉ पास करके, प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिए 1 जनवरी 2014 में और फिर फोर्स में आ गया 16 जनवरी से हमारे देश में लोकपाल आ गया बेसिकली सेंटर पर और लोकायुक्त आ गया स्टेट के ऊपर। तो ये पूरी कहानी आप लोगों को इसीलिए सुनाई है कि पूरा एक हिस्ट्री आप लोगों को पता हो, ठीक है। अभी यहां पर चैप्टर चल रहा है लोकायुक्त के बारे में, तो लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। तो लोकायुक्त यहां पर जो अपॉइंट किया जाता है, पहले तो कौन अपॉइंट होता है यहां पर, या तो कोई हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, इनको यहां पर एक फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। बाकी यहां पर सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन करने के लिए चीफ मिनिस्टर जो है वो एक पर्सन को लेकर आते हैं कि भाई साहब इसको हम लोग लोकायुक्त बनाएंगे और वो पर्सन जो होगा कंसल्ट किया जाएगा उसके बारे में हाईकोर्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट के साथ में, स्पीकर रहेंगे यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के उनके साथ में, चेयरमैन रहेंगे यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगर किसी राज्य के अंदर में है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगर किसी राज्य के अंदर है, और गवर्नर रहेंगे जो कि यहां पर इसको अपॉइंट करेंगे फिर, ठीक है। यानी कि ये यहां पर नाम युक्त करेंगे और यहां पर गवर्नर उसको अपॉइंट कर देंगे, तो उस इंसान को लोकायुक्त बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना कितने ऐसे राज्य जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली काम करेगी, ठीक है। अगर बात करें लोकायुक्त को अगर एक बार अपॉइंट कर दिया तो भाई साहब इसको हटाने के लिए बिल्कुल पूरा प्रोसीजर काम करना पड़ेगा, इंपीचमेंट जैसी मोशन नहीं होती है पूरा, एक ऐसा हटाना आसान नहीं होगा, तो उसके तरीके से इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए काफी टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो यहां पर पूरा डिटेल में मैंने मुद्दा भी समझा दिया और एक चैप्टर भी आप लोगों का स्टैटिक कवर करा दिया, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी है तो बताइएगा। और बाकी कैसे अपॉइंट करते हैं यहां पर लोकपाल को ये आप लोगों को बताना है, मैंने लोकायुक्त तो आप लोग बता दिया, अब लोकपाल के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बेसिक है इसके बारे में आप लोगों को बताइए, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हरियाणा ने जो रिजर्वेशन दिया है 75% उसको यहाँ पर मना की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बात की जा रही है डिप्टी सीएम के द्वारा, वो डिफेंड करेंगे अपने रिजर्वेशन को और उस रिजर्वेशन को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, यानी कि वो यहाँ पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि हरियाणा में 75% रिजर्वेशन दिया जा रहा था लोकल एरिया में, तो यहाँ पर आखिर क्यों यहाँ पर इसको मनाई की गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हियर करेगा जो प्ली वो 7 फरवरी को, तो अभी मुद्दा ये बना क्योंकि अगर लोकल एरिया में इस तरीके से आप लोग रिजर्वेशन देते हो तो इससे कई सारे फंडामेंटल जो राइट हैं वो लोगों के उसका हनन होता है, तो उसी के चलते यहां पर ये इशू बन गया था। तो इसको आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको अच्छे से देखेगा, तो पूरा आर्टिकल मैं आप लोगों को डिटेल में समझाते हूं आखिर मुद्दा यहां पर क्या बना था। पर हरियाणा के अंदर अभी बोला गया था कि 15 जनवरी से 2022 से इंप्लीमेंट किया जाएगा कि 75% लोग जो हैं वो सारे यहां पर जो कि हरियाणा के अंदर ही जो लोग हैं उनको जॉब दी जाएगी, अगर यहां पर 10 या फिर 10 से ज्यादा लोगों को जॉब देने वाली कंपनी है, कोई कंपनी ऐसी है जिसमें 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वो सारे लोग जो रहेंगे वो हरियाणा के रहेंगे 75% उसमें, अगर यहां पर बात करें अगर 30,000 से जो कि लेस देन सैलरी उनको दी जाती है, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली, तो बोला गया इसके चलते काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और यहां पर इसको बोला गया कि ये 10 साल के लिए कम से कम एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए कोई कंपनी काम कर रही है उसके लिए तो सदमा लग गया क्योंकि दिक्कत देखने को मिली, बोला गया क्यों किया गया, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि हां लोकल लेवल पर जो यहां पर प्रोवाइड कराना है इंप्लॉयमेंट, ठीक है। इकोनॉमी में काफी एक तरह सुस्ती आ रखी है उसको आगे लेकर चलना है, पर लेकिन यहां पर जॉबलेसनेस देखने को मिल रही है हरियाणा के अंदर, तो बोला जाएगा कि जॉब को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके चलते यहां पर इंक्रीज करेंगे इनकम और टैलेंट, तो ये बोला गया यहां पर ये एक तरीके से देखते हैं टैलेंट रुकता है पर लेकिन रुक नहीं रह पाया हाँ इस तरीके से, और एक तरीके से यहां पर प्री कंडीशन बना दी लैंड एक्वाइजेशन के लिए कि यहां पर कहीं ना कहीं अगर कोई विलेजर से यहां पर, ठीक है, तो उसके चलते यहां पर उसको भी फायदा यहां पर मिलना चाहिए अगर कहीं से कोई लैंड एक्वायर कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहां पर देखने को मिले। तो यहां पर क्या हुआ, कई सारी कंपनी जो है यहां पर वो अपना बाहर निकलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके चलते इंडस्ट्री को काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा और टैलेंट क्रंच पड़ गया, क्योंकि बाहर का इंसान अगर कोई टैलेंटेड है वो काम करने आना चाहता था तो वो काम करने आ ही नहीं पाया। तो मुद्दा क्या हो गया, मुद्दा ये हो गया कि भाई साहब ये तो फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है कि बर्थ के नाम पर आप लोग बेसिकली डिफरेंस कर रहे हैं, यहां पर आर्टिकल 15 का यहां पर हनन देखने को मिलेगा सेम तरीके से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आर्टिकल 16 इंप्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना करता है और फ्रीली कहीं भी मूव सकते हैं आप लोग अपना काम करने के लिए, उसमें भी यहां पर इंटरफेयर कर रहा है, तो ये गलत बात है।
तो ये बात यहाँ पर बोली गई। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि एक 216 फीट ऊंची स्टेचू जो श्री रामानुजाचार्य जी की है उसको अनवील किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो विजिट करने वाले हैं, तो तेलंगाना के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में बातें बताई जा रही है। तो यहाँ पर एक भक्ति एरा के सेंट हुआ करते थे यहाँ पर ये, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। आज आप लोगों का यहाँ पर होमवर्क भी है, इनके बारे में जाकर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इनके बारे में, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो बाकी मैं कल जब आंसर बताऊंगा तो एक बार इनके बारे में ओवरव्यू भी दे दूंगा। और संडे का जो डिस्कशन होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप लोगों को स्किप नहीं करना है। बहुत सारी डिटेल में आप लोगों से बातें मैं डिस्कस करता हूँ, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखेगा यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टेचू है वो कितनी ऊंची है उसके बारे में आप लोग बताइए, देखता हूँ आप लोगों को किस किस को पता है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर जो बेसिकली बात की जा रही है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, आप लोगों को पता है केरला के अंदर में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उसके चलते लैंड एक्वाइजेशन को रोकने की बात की जा रही है। ये प्रोजेक्ट जो है केरला के अंदर में ये कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर बेसिकली केरला के कई सारे एरिया को, तो उसके चलते यहाँ पर बोला कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, कईयों बार मैं भी आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ओके, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी बड़ा इशू चल रहा है आज के डेट में अगर आप लोग बात करते हैं किसके अंदर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली तमिलनाडु के अंदर में नेट को लेकर, और यहाँ पर गवर्नर जो है वो पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नर के बारे में एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गवर्नर की पोस्ट जो है वो कैसे कैसे काम करती है, तो वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर कई बार एग्जाम में बन जाता है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नर के बारे में, गवर्नर जो होता है वो एक इलेक्टेड हेड नहीं, बेसिकली गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड हेड होता है। और यहाँ पर बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर पूरा एक चैप्टर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और पॉलिटिक के अंदर भी जाकर आप लोग इसको आज रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे आप लोगों के पास में अभी टाइम कम बचा हुआ है, तो पॉलिटिक का रिवीजन जो है उसको अच्छे से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो पॉलिटिक का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी करंट अफेयर है उसका भी आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोगों की पड़ी है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लेना। ठीक है, गवर्नर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक देखने को मिलेंगे, पार्ट जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली 6 में गवर्नर नजर आते हैं संविधान के अंदर में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर उनके साथ में डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, अगर बात करें ये यहाँ पर बेसिकली जो अब तक जेएनके हुआ करता था उसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, पर लेकिन अभी क्या हो गया जेएनके जो है वहां पर यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है, तो अब वहां पर क्या होते हैं, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जिनको आप लोग एलजी बोलते हैं, तो कौन है प्रेजेंट टाइम पर एलजी वो आप लोग जरूर बताना। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो यहां पर गवर्नर होते हैं सबसे टॉप पर, फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और एडवोकेट जनरल होते हैं। जैसे आप लोगों से यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल रहता है, तो ये पोस्ट पैरेलल में है, तो कंफ्यूजन आप लोगों इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली सेंटर में आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, पर स्टेट में वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, और गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, इनकी जो भी काम किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो गवर्नर के नाम पे किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक बन जाता है। अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बात करें तो नॉर्मली ये माना जाता है कि गवर्नर जो है वो यहां पर एक तरीके से एजेंट की तरीके से देता है सेंटर का, पर लेकिन ड्यूअल रोल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि गवर्नर जो है यहां पर एग्जीक्यूटिव हेड भी है और एक कनेक्शन भी काम करता है बनाने का सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो यहां पर ये बातें देखने को मिलेगी। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जब किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कई बार, कि गवर्नर जो है वो एक राज्य के दो गवर्नर, एक मतलब दो राज्य का एक गवर्नर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो ये भी यहां पर बेसिकली बात की गई। ठीक है, गवर्नर जो है वो ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, और ना ही इनडायरेक्टली, यानी कि ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1979 में हालांकि बोला गया कि गवर्नर जो है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉय नहीं है, कि आप लोग यहां पर चाहो तो यहां पर बेसिकली बोलो कि हमारा ये लोग है इस तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है तो उसके इसके हिसाब से काम कर देना चाहिए। और इसी के साथ में यहां पर जब बात करते हैं ड्राफ्ट किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात की गई थी गवर्नर के, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको मानने से मना कर दिया। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि गवर्नर के लिए भी यहां पर इलेक्शन होने चाहिए देश के अंदर में, तो आप लोगों को कैसा लगेगा इसके बारे में, आप लोग कैसे सजेस्ट करेंगे, क्योंकि कई जगह है जैसे गवर्नर के लिए इलेक्शन होते हैं, उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर अमेरिका का मॉडल। तो गवर्नर जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हमारे देश में नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कनाडा का मॉडल फॉलो किया जहां पर गवर्नर होता है बेसिकली स्टेट के अंदर में, कनाडा में स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं, तो यहां पर अपॉइंटमेंट किया जाता है यहां पर, जैसे कि आप लोग देखते हैं गवर्नर जनरल बेसिकली यहां पर जब अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है,
तो यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा वही हुआ यहां पर कि अपॉइंटमेंट के बेस पर हम लोगों ने इसको आगे लेकर चले। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है यहां पर, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, भारतीय नागरिक होना चाहिए और एज जो है वो 35 साल से या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। ओनली दो बेसिकली यहां पर लिखी हुई है क्वालिफिकेशन गवर्नर के बारे में और दो कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हाँ ये चीजें भी मान लेनी चाहिए कि एक तो वो आउटसाइडर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना हो जब उसको अपॉइंट किया जाए, और जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट को यहां पर रिक्वायर करना है यहां पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ में, ठीक है, कंसल्ट करना है, तो इनको वॉयलेट न करें इस तरीके से यहां पर ये चीजें हैं अपॉइंटमेंट की जो की जाती है गवर्नर की, क्योंकि आगे चलकर गवर्नर जो है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन को मेंटेन रखने का काम करता है। गवर्नर जो है यहां पर एक तरीके से वो फेथफुली एग्जीक्यूट करता है अपना ऑफिस, प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है और डिफेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने आप को सर्विस के लिए यहां पर बेसिकली लोगों की एक तरीके से अपने आप को एक बनी कहते समर्पित करके रखता है। अगर बात करें यहां पर तो चीफ जस्टिस ऑफ जो कंसर्न हाई कोर्ट होते हैं वो यहां पर इनको यहां पर बेसिकली ओथ दिलाते हैं गवर्नर को। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं आप लोगों से। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के या फिर वो अगर यहां पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के प्रेजेंट नहीं हो तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली बोला तो जाता है कि प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट यानी कि प्रेजिडेंट जब तक चाहे गवर्नर रह सकता है, ठीक है, पर लेकिन यहां पर नॉर्मली देखा जाता है कि गवर्नर का नाम जो है प्रेजिडेंट के नाम पर, लेकिन रियलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। यहां पर बात करें तो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पर वो बोलता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब जो है वो नॉट जस्टिफाइबल, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि गवर्नर जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उस तरीके से हम लोग को लेकर चलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज बनती है तो आप लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए यहां पर तो एक बिल के बारे में क्वेश्चन कई बार बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, खासकर अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस में या फिर आगे जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें तो यहां से पूछ लिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, पर लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं। गवर्नर को क्या पावर है जब इसके पास में कोई बिल जाते हैं, एक तो सबसे बड़ी पावर तो ये कि वो चाहे तो उसको असेंट दे दे, इनके ठीक है बिल आ गया पास करा दिया साइन कर दिए, ठीक है। दूसरा है उसको विदहोल्ड कर ले सेंस के लिए अपने पास में उसको रोक के रख ले। तीसरा है उसको रिटर्न कर दे यहां पर बेसिकली असेंबली के पास में, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया, मनी बिल को तो नहीं कर सकता है, मनी बिल एक अलग फंडा हो जाता है, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया तो फिर असेंबली क्या करेगी उसको, फिर से अगर उसको काम करने के बाद में उसको रिटर्न कर दिया तो यहां पर फिर उसको उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, गवर्नर को असेंट देना पड़ेगा, फिर वो रोक नहीं सकता। रिजर्व कर ले बिल फॉर प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को देने के लिए भी यहां पर रिजर्व कर सकता है। वो कौन सा बिल होगा, अगर कोई संविधान के अपोजिट में हो, यानी कि संविधान के हिसाब से कोई बिल ना हो, ठीक है, अपोज करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ठीक है, ये कंट्री के इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है, इसी के साथ में जो डील करते हैं डायरेक्टली आर्टिकल 31A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई यहां पर और लगता है कि यहां पर जो एक प्रेसिडेंट के पास में जाना चाहिए, तो ये पावर होती है गवर्नर के पास में, पर लेकिन इस पावर का कई बार माना जाता है कि गलत इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी बिल को यहां पर बेसिकली रोक लिया जाता है, जिसके चलते कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गुस्से में आप लोगों को नजर आती है, तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो करंट के साथ साथ में एक स्टेटिक चैप्टर भी आप लोगों का कवर यहां पर हो चुका है, थोड़ा सा जाकर पॉलिटिकल आप लोग लक्ष्मीकांत को उठाकर देखना, आप लोगों को एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बाकी आप लोगों का सुडोकू है, यहाँ पर आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, काफी अच्छा लगता है जब आप लोग इसको बेसिकली कंप्लीट करते हो, ठीक है। और यहाँ पर चाइना और रशिया जो है मिलकर काम कर रहे हैं, चाइना के अंदर ओलंपिक स्टार्ट हो गए हैं तो उसके चलते दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो यहाँ पर बेसिकली पहुंचा था यहाँ पर आज के डेट में कुछ हेल्प लेने के लिए चाइना, तो वहाँ पर उसको सारी हेल्प यहाँ पर मिल रही है, तो अच्छी बात है, चलिए जो भी है अच्छा चल रहा है। बाकी ओलंपिक को लेकर हमने अभी बाइकॉट किया है, हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो यूएसए ने यहाँ पर क्या बोला है, बेसिकली यूएसए ने इंडिया को अप्रिशिएट किया कि इंडिया ने जो है पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, ठीक है, तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी कोयले को लेकर काफी बड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही थी यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, तो फिर से कई बार इशू बन जाते हैं क्योंकि कोयले से हम लोग काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बारे में अगर आप लोग देखेंगे, मैंने SLVpedia पर डिटेल में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी, ये आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। कोयला जो है हमारे देश में सबसे पहले यहाँ पर 1774 में, ये है रानीगंज, जहाँ पर फर्स्ट कोल फील्ड हमारी कंट्री में आप लोग को देखने को मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1774 में। पेट लिग्नाइट, इसी के साथ में सबबिटनस, बिटनमस और यहाँ पर एंथ्रेसाइट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा कोयला निकल कर आता है। तो ये मैंने आप लोगों को यूज़ भी यहाँ पर बताए थे, तो जाकर देखिएगा, सारी चीज़ें इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में ये क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को बता ही दिए, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए यहाँ पर, तो इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आज की जो वोकैबुलरी है ये आप लोगों के सामने है। स्मार्टन के बारे में बात की जा रही है,
तो धार्मिक यानी कि चैरिटेबल या फिर हेल्पफुल, तो आप लोगों ने देखा होगा एक्सीडेंट कभी हो जाता है तो बोलते हैं गुड समार्टन, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है ट्रम्प्स के बारे में, तो जीत बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर, एक ग्रेट विक्ट्री, ठीक है, ट्रायम्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इसी के साथ में ग्रैपल यानी कि हाथापाई कई बार देखने को मिलती है, तो उसके बारे में बात की जाती है, कुश्ती टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, एंडेवर यानी कि प्रयास करना, ठीक है, और हेतृत्व एक तरीके से हेतृत्व आप लोग बोलते हैं बेसिकली इसको, तो ये होता है एक तरीके से आप लोग अब तक यानी कि जो भी अब तक चीजें देखने को मिली यानी कि यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से वोकैबुलरी है जिनको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, रेगुलरली आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो देखिए वॉइस में दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, थोड़ा सा मैंने बताया आज का लेक्चर कैसा रहा, फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, और सॉरी फॉर लेट यार, लेट हो गया उसकी वजह से सॉरी, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।